प्रभु देख सकते हैं जी। आयत का नंबर 93 है ठीक। हजरत यूसुफ का मशहूर किस्सा है, बाबा इज़हरू बरगमीसी हाजा फअलगूहु अला वजह अबी यअसे बसीरा, ये मेरी कमीज ले जाए जी और ये जाके मेरे बाप के आंखों पर रखें, चेहरे पर रखें, तो इस कमीज मेरी कमीज के सत्य में क्या होगा, खुदा उन्हें रोशनी देगा, नूर देगा। तो इतना गिरिया किया था कि आंखों की रोशनी कम होगी। और फिर जवाब नंबर है ये आंखों पर कमीज रखी हजरत यूसुफ की, तो खुदा ने उस पैगंबर के कमीज के सबके, पैगंबर का बदन भी नहीं था, हाथ भी नहीं था, पैगंबर के जिस्म से मस्त होने वाली, सुनने वाली, लगने वाली कमीज के अंदर ये सदके में एक नबी मुशिका गई। लेकिन मैं आप एक बात कहना चाहूंगा, तारीख कवायद शेर हमेशा तारीफ करते हैं, तारीफ दो किस्म की शेर होती है, एक कौन की तारीफ मानी के कायल है और एक ये लोग कौन की नफी कह रहे हैं। अगर आप नसीब होकर आए आप नहीं मानते, लेकिन आप जो आयते होते हैं वो कैसे मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो मसला है ये शायद तो मैं अर्जी करूँ, ये जो शरीयत है वो नासिक है किसी शरीयत के लिए, वो ये नहीं हो सकता कि उस शरीयत को इस शरीयत में आप इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आपका जो कहना है कि ये हम शरीयत हजरत यूसुफ में नहीं चल रहे हैं, सरकार है तो हमें नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद पर है सम्बन्ध अलग रसम है, तो ये जनाब शरीयत का मसला नहीं है, लेकिन हलाल है या नजिस है या रकअत इतनी नमाज है, ये मसला है शिर्क और तौहीद का, हमारी बहजोरी शिर्क और तौहीद का, आप कह रहे हैं कि शिया शिर्क कर रहे हैं, तो शिर्क और तौहीद मसला इसका ताल्लुक अकीदत से अकायद से है, लेकिन शरीयत शरीयत एक शरीयत और चलो ये बात है अकायद की बैठे थे शिर्क और अकीदे की, तो हजरत आदम से लेकर 1,24,000 अंबिया के दरमियान जो अकायद का मसला है वो भी रहा है, लिहाजा हम इस कुरान मजीद के साबित ये कर रहे हैं कि शिर्क होगा तो हजरत याकूब अलैहि सलाम का करते, तो अकायद में जो हजरत याकूब अलैहि सलाम का अकायद है हमारे पैगंबर की शरीयत के अहकाम अलग हो सकते, मगर अकायद तो अंबिया से अलग अलग नहीं है, सब तौहीद का दर्द लेकर आए और सबने शिर्क से मना किया, लिहाजा अंबिया के कब्र पर को चूमना, उनको आंखों को रखना, उनसे शिफा का मिलना कुरान मजीद से साबित है। और अगर इसके अलावा भी आप मेरे चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, आपको लेकिन एक बातें मैं काम नहीं करना चाहूंगा, इस सिलसिले में हरीश जो है आप सुनना पसंद करें, ये वह बंदा आप नोट कर सकते हैं, सही बुखारी आपकी बड़ी किताब है जिसे आप दर्शन करते हैं, सुने बुलोबिया चैप्टर में सही बुखारी में सुना बुलोबिया, क्योंकि जेल अलग अलग होते हैं छात्र उसके लिए चैप्टर बता रहा हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिलू करते थे इनके जो आशिकान थे जो असहाब थे, मतलब अंदर ये भी तुम्हत है कि असहाब को नहीं मानते जो गलत प्रोपेगेंडा है, असहाब को मानते हैं इस मौजूद में उनसे इंशाल्लाह करेंगे, तो जो रसूल खुदा के आशिकान थे सच्चे सहाबा थे वो वजू का पानी जो है तवर रन लेते थे, और हर सहाबी से कहता कि पैगंबर अकरम के जो वजू के तकरार गिरते वो पानी जमीन पर गिरने लगा, ये आप देख सकते हैं बुखारी में। फिर बुखारी में बाबे खातमे नबूवत, खातमे नबूवत में आप देख सकते हैं एक शख्स है जो मरीज हो गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचता है कि मेरे एक रिश्तेदार मरीज हो गए और रसूल खुदा से वजू का पानी लेता है सही, और मरीज जो है उस पानी को पीता है उसे शिफा मिलती है। फिर आप बुखारी में बाबे शिफा के पैगंबर में देख सकते हैं, वहब शिफा के पैगंबर वहब इब्ने अब्दुल्लाह से रिवायत है कि लोग पैगंबर खुदा का हाथ अपने मुंह में लगाते थे ताकि
شفا ہو، شفا کے طور پر احترام ہے، اگر یہ حرام ہوتا تو اس کو مطالعہ کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ کیوں چنتے ہوں، میرا ہاتھ کیوں گلوں پہ لگاتے ہوں۔ پھر بخاری میں باب صفات پیغمبر میں بھی ہے کہ اسی طرح سے رسول خدا جب خیمہ لگاتے تھے اور وضو کرتے تھے تو لوگ محمد بلال فرماتے ہیں کہ وش کرتے تھے کہ ہمیں یہ پانی کمر کر مل جائے۔ پھر مسلم نے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا جب سر کے بال کاٹتے تھے تو ہر صحابی کے کمر ہوتے ہیں کمر کر ایک بال ہمیں مل جائے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور حدیث ہیں کہ میں صحیح مسلم کی خدمت میں حوالہ کیا کہ رسول خدا سر احمد کر دیتے، یہ کتاب فضائل صحابہ میں ہے صحیح مسلم میں، آپ ان کو دیکھ کر غور کر سکتے ہیں، یقیناً میں ان کو دیکھوں گا اور اس پہ سوچوں گا اور تحقیق کروں گا ان شاء اللہ۔ ہم چاہیں گے